एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज है हमारी क्लास 54 और आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग करना। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि हमने एक स्लीव की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 11 से 12 स्लीव के जो है डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो 6 डिजाइन स्लीव के, 6 तरह के स्लीव मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ जिनकी कटिंग स्टिचिंग ड्राफ्टिंग तीनों ही चीजें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताई है। लिंक सभी के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज है हमारा 7th डिजाइन जिसमें हम लोग सीखेंगे पफ स्लीव की ड्राफ्टिंग करना। तो किसी भी चीज को हमें बनाने के लिए सबसे पहले जो है मेजरमेंट की जरूरत होती है, तो आइए हम लोग मेजरमेंट देख लेते हैं। तो जी मेजरमेंट यानी कि जो हमारा नाप है वो है लेंथ यानी कि लंबाई है हमारी स्लीव की 15 इंच, बॉटम यानी कि मोरी है हमारी 10 इंच। तो जो भी हमारा बॉटम होता है उसको हम हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, तो 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 इंच। ठीक है जी, और जो हमारा आर्म होल है वो है हमारा यहाँ पर 8 इंच। तो इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है मैं आप लोगों को ड्राफ्टिंग करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस तरह से ऐसे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है सबसे पहले, और ये है हमारा फोल्ड साइड। मैं लिख भी देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये है हमारा फोल्ड साइड और ये है हमारा ओपन साइड। यहां से भी ओपन है, यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है। जिस जहां पर भी मैं इस तरह का साइन लगाऊंगी तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये जो है हमारा फोल्ड साइड है। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को एक पेपर पे भी बता देती हूँ कि आप लोगों ने अपने फैब्रिक को किस तरह से फोल्ड करना है और हम किस तरह से जो है इसको मानेंगे। तो मान लीजिए ये हमारी एक जो है पेपर मान लीजिए या फैब्रिक मान लीजिए, तो इसको हमने इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है जी, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ये हमारा फोल्ड साइड हो जाएगा, ये हमारा ओपन साइड हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हमने एक बॉक्स यहाँ पर बनाया है, यहाँ से भी ओपन, यहाँ से भी ओपन, यहाँ से भी ओपन और यहाँ से जो है ये फोल्ड वाला है। ठीक है जी, अब आप लोग सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक नोट लिखवा देती हूँ कि जो हमारी पफ स्लीव्स होती है ना उनको बनाने के लिए हमें अपनी लंबाई जो हमारी स्लीव्स की होती है उससे 8 से 10 इंच जो हमारा फैब्रिक होता है वो एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक नोट लिख लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखवा देती हूँ। नोट 1, पफ स्लीव बनाने के लिए लंबाई में फैब्रिक 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है जी, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है याद रहे ये वाली चीज कि हमें पफ स्लीव बनाने के लिए 8 से 10 इंच लंबाई में फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है जी, तो मान लीजिए ये मेरा जो फैब्रिक है ये 8 इंच एक्स्ट्रा है, 8 से 10 इंच जो है हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी स्लीव की लंबाई है 15 इंच उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जैसे हम सिंपल स्लीव बनाते हैं ना उस तरह का हम लोगों ने सबसे पहले स्लीव की जो है ड्राफ्टिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो है हमारा 15 इंच आया है, हमें 15 इंच की स्लीव चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक जो है हमारा 15 इंच आया है। तो सबसे पहले हम इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे लंबाई का। ठीक है, तो जी ये हो गया हमारी स्लीव की लंबाई का निशान। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक जो है हमारा आर्म होल आ रहा है 8 इंच। ठीक है जी, अब जो हम स्लीव की डेप्थ लेते हैं ना उसका निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए हमारी जो डेप्थ है 3 इंच वो यहां पर आ रही है, तो डेप्थ हम लोगों ने किस तरह से निकालनी रहती है, वो जो पिछली स्लीव्स मैंने आप लोगों को बनानी सिखाई है उसमें मैंने बता दिया है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो मैंने जो डेप्थ है वो 3 इंच रखी है, तो उसको हम यहां से लेकर यहां तक ऐसे तिरछा मिला देंगे। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो हमारा बॉटम है उसका निशान लगाएंगे। तो जो मेरा बॉटम है वो निकाल कर आ रहा है 5 इंच, तो देखिए मान लीजिए हमारा जो 5 इंच है वो यहां पर आया है, तो हम इस तरह से ऐसे 5 इंच पर निशान लगा देंगे और इन निशानों को जो है हमने इस तरह से ऐसे मिला देना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारी सिंपल स्लीव्स, इसमें हमें आर्म होल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, जो हम ऊपर पफ बनाते हैं ना हम उसका निशान लगाएंगे। तो जी किस तरह से आप लोगों ने निशान लगाना है पफ का, आपने ऊपर से लंबाई 8 से 10 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। अगर आप लोगों को बहुत हैवी पफ चाहिए तो आप लोग 10 इंच तक रख सकते हैं, और नॉर्मल चाहिए तो आप लोग 8 से
7-8 इंच जो है वो रख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने जो है इसको पूरा 8 इंच रखा हुआ है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये हमारा 5 इंच है तो यहां से भी जो है हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो मान लीजिए जो हमारा 5 इंच है वो यहां पर आ रहा है, ठीक है जी। यहां पर मान लीजिए हमारा 5 इंच आ रहा है। अब हमने यहां ऊपर से इस तरह से ऐसे निशान लगाना है आर्म होल का, यहां पर ऐसे निशान लगाएंगे और इस 5 इंच तक हम इस तरह से ऐसे निशान लगाएंगे और फिर जो है हम इस तरह से ऐसे आर्म होल की शेप दे देंगे यहां तक। ये देखिए, ये जो हमारी डेप्थ आ रही थी ना, यहां तक हम जो है इस तरह से ऐसे जो हमारा आर्म होल होता है उसकी शेप दे देंगे। तो देखिए मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जो है अच्छे से बिल्कुल दिखे। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है निशान लगा देना है। अब इस निशान को हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर देंगे और यहां से हम करीबन 1.5 इंच 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे यहां से भी और यहां से भी स्टिचिंग का मार्जिन, और इस निशान को हमने इस तरह से ऐसे मिला लेना है, ठीक है जी। और जो हमारे आर्म होल की जो हमारा फ्रंट साइड होता है वहां हम हल्की सी गहराई लेते हैं तो उसका निशान भी हम लगाएंगे। तो देखिए करीबन 1/2 इंच या 1/2 इंच से कम आप लोगों ने ऐसे इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। अंदाजे से आप लोगों ने इस तरह से ऐसे निशान लगा देना। तो जी ये हमारी जो फ्रंट साइड होगी उसकी डेप्थ का निशान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारी पूरी ड्राफ्टिंग होगी इसकी। अब जब हम इसको कट करेंगे तो किस तरह से कट करेंगे, यहां से इस तरह से हमने इसको यहां से ऐसे कट करना है और फिर जो हमारा फ्रंट साइड होगा इसको पूरी स्लीव्स को खोल के और फिर फ्रंट साइड को हम यहां से इस तरह से ऐसे जो है शेप दे देंगे। तो इस तरह से जो है हम पूरी पफ स्लीव्स की अपनी ड्राफ्टिंग करते हैं। बहुत आसान होता है ये, और किस तरह की पफ स्लीव्स बनेगी ये मैं साइड में जो है आप लोगों को फोटो लगाकर दिखा दूंगी तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। बहुत आसान होती है ये, बस देखने में लगता है कि बहुत टफ है किस तरह से बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होती है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, और जब भी मैं आप लोगों को जो है ड्राफ्टिंग करना सिखाती हूँ तो उसको एक बार जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि हमारे हाथों से होकर जो चीजें गुजरती है ना वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाती है। तो ये नहीं कि बस देख लिया और आ जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। कई लोग जो है इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करेंगे कि मैम हमारी फिनिशिंग नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। तो देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट आपका वर्क होगा, उतनी ही अच्छी फिनिशिंग आएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है पूरी हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास में क्लास 54 में मैं इसकी कटिंग स्टिचिंग दोनों ही आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पसंद आए वीडियो और हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nehafashionholic.09, वहां पर आप लोगों के जो भी डाउट होते हैं वो सब मैं क्लियर करती हूँ, पर्सनली मैं सबका एक एक का रिप्लाई देती हूँ, तो आप लोग मुझे वहां जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है जी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।